भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले काफी महीनों से सुस्ती झेल रही है, जिसका हर सेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ा है। खासकर ऑटो सेक्टर तो पिछले साल से मंदी की चपेट में है, और अब मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत और पूर्णबंदी ने ऑटोमोबाइल उद्योग का हाल और भी ज्यादा बेहाल कर दिया है, जिसका खुलासा हुआ है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ताजा आंकड़ों से। देखिए रिपोर्ट में। देश में फैली स्वास्थ्य मुसीबत पर लगाम लगाने के लिए लागू की गई पूर्णबंदी ने अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। हर सेक्टर पर पूर्णबंदी ने नकारात्मक असर डाला है। वहीं ऑटोमोबाइल उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जी हां, मार्च के आखिरी हफ्ते से लागू पूर्णबंदी के कारण वाहनों की बिक्री पर बहुत बुरा असर पड़ा है। भारत में ऑटोमोबाइल जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अप्रैल में एक भी कार की बिक्री नहीं हुई थी। अब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के आंकड़े बता रहे हैं कि यह लगातार 9वीं तिमाही है जब वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित बाजार में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में यात्री वाहनों की बिक्री 78.43% घटी है। वाहन उद्योग के संगठन सियाम ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 20 साल में उद्योग में मंदी का यह सबसे लंबा दौर है। सियाम के मुताबिक वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 84.81% की गिरावट आई है। वाणिज्यिक वाहनों के मामले में गिरावट की ये लगातार 5वीं तिमाही रही है। इस सेगमेंट में भी पिछले 15 साल में इतनी लंबी सुस्ती कभी नहीं देखी गई। इससे पहले पिछले 20 साल के दौरान यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट का सबसे लंबा सिलसिला 5 तिमाहियों का 2013-14 और 2014-15 के बीच और 2000-2001, 2001-2002 के बीच रहा था। सियाम के अध्यक्ष राजन वडेरा ने कहा कि स्वास्थ्य मुसीबत के कारण वर्तमान में हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम पिछले साल से ही मांग की कमी का सामना कर रहे थे, लेकिन इस तिमाही में स्वास्थ्य मुसीबत के कारण कारोबार घटा है। ये वाहन उद्योग के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है, इसलिए सरकार को वाहन क्षेत्र के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन पैकेज देने की जरूरत है, जैसा कि सरकार ने पूर्व के समय में आई मंदी के समय में किया। साथ ही वाहन उद्योग के लिए जीएसटी में सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए 10% कमी करनी चाहिए। अब सरकार ऑटो सेक्टर की परेशानी दूर करने पर ध्यान देती है या नहीं, ये देखना होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।